ब्रह्म कथा की कहानियों के अनुसार भगवान शंकर इस जादुई जगह की यात्रा पर पार्वती के साथ प्रकट हुए। इस स्थान के वैभव से मंत्रमुग्ध होकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने 11,000 वर्ष तक यहाँ रहने और साधना करने का संकल्प लिया, क्योंकि यह जगह उन्हें बहुत ही पसंद आ गई थी। एक बार माता पार्वती का एक रत्न परलोक में खो गया जब वह पानी में खेल रही थी। भगवान शिव ने अपने गण स्वर्गदूतों को माता के खोए हुए रत्न अर्थात मणि का पता लगाने का आदेश दिया। जब सभी खोई हुई मणि को खोजने में असफल रहे तो भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोलना शुरू किया, जिससे कि सारी धरती कंप उठी और सभी देवी देवताएं जो है वो भयभीत हो गए। नैना भगवती ने भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से पार्वती की खोई हुई मणि के बारे में पटाधिपति और शेषनाग सभी रत्नों के देवताओं को बताया। जब शेषनाग को यह पता चला तो शेषनाग ने एक जोरदार सांस छोड़ी, जिससे उस स्थान पर एक गर्म पानी का फव्वारा उत्पन्न हुआ और माता पार्वती की खोई हुई मणि के साथ साथ इस नए फव्वारे से और भी कई रत्न निकले। पार्वती माता ने अपना मणि ले लिया और अपने श्राप से अन्य गहनों को पत्थरों में बदल दिया। भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ और इस कथा ने उस स्थान का नाम मणिकर्ण रखा। पौराणिक कथाओं में इस मंदिर को भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों के ध्यान निवास के कारण आधा नारीश्वर के रूप में भी वर्णन किया गया है। यह स्थान शंकर जी को इतना प्रिय हो गया कि उन्होंने इस स्थान का नाम काशी भी रख दिया और फिर कलयुग में इसी स्थान को गुरु नानक देव जी ने आकर भी अपने चरण स्पर्श करें और इस स्थान को और भी भाग लगे। ऐसे रोचक तथ्यों से जानू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।